मॉर्निंग, ये जो एनालिसिस है ये ट्यूसडे के लिए एनालिसिस है। आपको पता है कि फ्राइडे का एनालिसिस जो हुआ था उसमें मैंने बताया था कि जैसे वीकली एक्सपायरी जो थी उसमें अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आया था मार्केट में। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो फ्राइडे को मार्केट ऊपर ही खुला और 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर वो चलता रहा और अल्टीमेटली लास्ट में 50 का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वो रुक गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट में काम करते हैं, तो 22,300 को ब्रेक करने के बाद सबसे पहला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो मार्केट फेस करता वो 22,400 का था। तो 22,400 के पास से अगर आप मार्केट को देखोगे तो फ्राइडे को एक बार डिप लेके 20 मूविंग एवरेज के पास से वो फिर वहीं से चला है और कल जो रेजिस्टेंस फेस किया पहला वो 22,500 के आसपास। तो 22,500 भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट में हमेशा लेवल्स का रिस्पेक्ट होता है और साइकोलॉजिकल लेवल्स का भी रिस्पेक्ट किया जाता है। कल जैसे स्पेशल सेशन था जो एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो हमेशा सेवी और NSE और BSE की पहल है कि कभी भी एक इमरजेंसी आ जाए और मेरे को अपना सर्वर को शिफ्ट करना पड़े दूसरा सर्वर में, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइट्स और जो भी सर्वर्स है उसको टेस्टिंग करने के लिए स्पेशल सेशन रखा जाता है मार्केट में। तो उस हिसाब से मार्केट कल का जो भी मार्केट था आप देखोगे कि साइडवेज ही रहा, मैक्सिमम गैप अप थोड़ा सा खुला, तो इसको कोई कंसिडर नहीं करता। आप कंसिडर करेंगे लेवल 22,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे 10-15 मिनट, तब आप ऊपर का कॉल ले सकते हो, मतलब ऊपर का सौदा ले सकते हो, या फिर 22,500 को ब्रेक करता है तो सबसे पहला लेवल आप ट्राई करोगे कि 22,450 तक मार्केट आए, उसके बाद आप उस लेवल को टेस्ट कर सकते हो या देख सकते हो कि वहाँ से हम ऊपर का सौदा लें कि नीचे का सौदा लें। क्यों? क्योंकि अगर वो 20 और 50 के नीचे आ गया तो आप नीचे का सौदा ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मार्केट में लेवल्स यही इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो लेवल्स कहाँ से काम करें। जैसे आप ये देखो, अच्छा खासा विग ट्रेड बोलते हैं इसको अपन, कि जहाँ पे अल्गो एक बार कोई लेवल पे घुसे होंगे और वहाँ से शूट कर गया, तो ये सब आपके मतलब आँख में आने वाला भी नहीं है सौदा, ये सब अल्गो ट्रेड है, ये इसको बोलते हैं फ्रीक ट्रेड, ठीक है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी आप देखो, जैसे मैंने आपको बार बार बताया था कि 48,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब जैसे ही 48,000 के ऊपर मार्केट निकला है उसके बाद एक अच्छा खासा 200 पॉइंट आपको दिया, अब 48,200 के पास मार्केट जाके फिर से रुक गया, ठीक है। 48,200 के पास मार्केट जाके रुक गया, क्यों? क्योंकि हमेशा मैंने आपको ये चीज़ बताया है कि मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं वहीं से बुल और बियर डिसाइड करते हैं कि कितने परसेंट बुल बनेंगे और कितने परसेंट बियर बनेंगे। तो ये चीज़ को अगर आपको देखना है, मान लीजिए आपने चार्ट में देखा, तो चार्ट में आपने क्या देखा? चार्ट में तो आपने टेक्निकल एनालिसिस देखा। अगर आपको डेटा रीडिंग भी करनी है तो आपको ऑप्शंस चेन को देखना होगा, तब जाके आपको इंडेक्स का डेटा रीडिंग भी समझ में आएगा। अगर आप ऑप्शन चेन में जाते हो तो अभी सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो हो रही है 23,000 में हो रही है, ये 23,000 में हो रही है। उसके बाद अगर आप आके देखते हो तो 22,800 में हो रही है और 22,500 में हो रही है। और वही पुट राइटिंग अगर आप देखोगे तो पुट राइटिंग सबसे पहले हो रही है 21,500 में, उसके बाद 22,000 में, और उसके बाद 22,200 में, और उसके बाद 22,400 में। तो अगर आप कोई अगले वीक के लिए देखता है 23 मई के लिए, तो कॉल और पुट राइटिंग जो मैक्सिमम मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे एक मारामारी हो सकता है वो 22,400 के ऊपर रखने की कोशिश हो रही है और 23,000 के नीचे रखने की कोशिश हो रही है। जहाँ पे स्ट्रैडल राइट किया गया है वो 22,500 का, स्ट्रैडल मतलब कॉल और पुट को एक साथ बेच देना, ठीक है। और वही अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 50,000 में, जो हर एक इंसान जो है अभी बैंक निफ्टी के लिए देखता है कि 50,000 तो आ ही जाएगा। तो हमेशा 50,000 के पास जब भी आता है तो 20-30 पॉइंट से मार्केट उसको घुमा दे रहा है, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्ले। फिर उसके बाद 49,500, अब आप खुद बता सकते हो 49,000, और अभी मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी स्पॉट में है 48,000 टू
17 पास और फ्यूचर प्राइस है 48,281, पीसीआर रेशियो 0.98 है। और अगर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो भी रही है तो 48,000 के ऊपर रखने की कोशिश हो रही है, और 48,300 और 48,500 के नीचे रखने की कोशिश हो रही है। तो अगर ओवरऑल आप देखोगे कि अगर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी तो 48,500 के नीचे और 48,000 के ऊपर रखने की कोशिश हो रही है। वही अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो 22,400 के ऊपर और 22,800 के नीचे रखने की कोशिश हो रही है। तो 400 पॉइंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 500 से लेके 800 पॉइंट तक का ट्रेड हो सकता है नीचे से ऊपर तक के लिए। वैसे ही अगर आप HDFC देख रहे हो, रिलायंस देख रहे हो, आप रिलायंस को मैंने आपको पहले भी बताया 2800 के पास सपोर्ट लेके अच्छा खासा वो बढ़ने की कोशिश किया और देखिए 20 और 40 मूविंग एवरेज के पास आ गया। उसी तरीके से HDFC ने जिस दिन डोजी बनाया था उसके दूसरे दिन मैंने बताया जिस दिन एनगल्फिंग कैंडल बनाया उसके ऊपर निकला, उसके बाद से अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है HDFC में, जिसका फर्स्ट टारगेट अगर मैं बोलूँ स्विंग के लिए तो 1483 का टारगेट आ रहा है और रिलायंस ने टारगेट अचीव कर लिया। अब इसके बाद क्या मूवमेंट आता है मार्केट में रिलायंस और HDFC डिसाइड करेगा दोनों इंडेक्स के लिए। उसी तरीके से अगर आप ठीक से देखते हो कि इसमें क्या हो रहा है, क्या बोलता हूँ मैं आपका, सॉरी एक्सिस बैंक और ICICI में मैंने आपको बताया था 20 मूविंग एवरेज के पास बार बार सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो स्विंग टारगेट ICICI बैंक का जो होगा वो 1160 होगा और एक्सिस बैंक का अगर आप टारगेट देखोगे तो सबसे पहला टारगेट जो आएगा स्विंग का वो 1165 होगा, क्योंकि ये 52 वीक हाई का टारगेट है और 20 मूविंग एवरेज के पास दोनों ही बैंक सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि 20 मूविंग एवरेज को दोनों ही बड़े बैंक रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट वीक के लिए कोई स्टॉक देखना चाहते हो तो SW सोलार देख सकते हो, क्योंकि अभी इसने मंथली हाई काटा है इस मंथ में, तो ये मंथली टारगेट्स जो इसके लिए निकल के आएंगे वो आगे वो अच्छा खासा टारगेट हो सकता है। अगर आप ठीक से देखते हो तो ये एक पैटर्न बनाया है जिसे हम लोग W पैटर्न भी बोलते हैं। तो अगर W पैटर्न का मैं टारगेट निकाल के आपको दिखाता हूँ तो सिंपल टारगेट जो है मार्केट में जिस हिसाब से ड्रॉ किया जाता है मार्केट में टारगेट्स को, तो यहाँ से अगर ऊपर मैं इसको रख देता हूँ यहाँ, तो इसका टारगेट आ रहा है आपका 1145 का टारगेट आ रहा है मंथली में। और BEL जो है वो 52 वीक हाई पे चल रहा है जिसका अभी प्राइस चल रहा है 259। जब भी कोई चीज़ 52 वीक हाई पे रहता है तो उसका अनएक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो खुद स्ट्रॉन्ग है, मार्केट भी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से मिनिमम 300 का टारगेट बनता है BEL का। अब ऐसा नहीं है कि 300 ही जाना चाहिए, अगर 290-295 भी आ जाता है तो आप उसमें से निकल सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए मार्केट क्या आपको दिखाना चाहता है, क्या आपको छुपाना चाहता है मार्केट में। और एक चीज़ ज़रूरी है, जैसे आज तो मैं मार्केट बंद रहा लेकिन फ्राइडे को 7 बजे US मार्केट खुलता है, तो हम लोग को US मार्केट का भी इम्पैक्ट थोड़ा सा अपना इंडियन मार्केट में तो पड़ता ही है, उसको देखना है। 9 बजे से पहले अपन को SGX देखना है, उससे पता चलता है कि मार्केट किस तरफ खुलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ नोटिंग करके रखिए आप, और आप लेवल्स निकालना सीखिए। आप जब लेवल्स निकालना स्टार्ट करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि 10 बार में से मेरा लेवल्स तुक्का कितना बार सही हो पा रहा है, फिर उस हिसाब से आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा मार्केट में और एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपना लेवल अपने आप मैच करा पाओगे। क्योंकि मार्केट तो 500 पॉइंट निफ्टी में पूरे हफ्ते में ऊपर नीचे हो रहा है और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट। ठीक है, कमेंट करके बताइए हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है, और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और क्या और कंटेंट मैं आपके लिए बना सकता हूँ और क्या एक्स्ट्रा एनालिसिस कर सकता हूँ वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।